हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, जो कि एक्सरसाइज 12.3 से था, क्लास 10 से। अब जो हम करने वाले बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या है जो है एक्सरसाइज 12.3 से। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो इसने बोला है ये दो फिगर है हमारे पास, क्या एक सर्कल और एक टेट ट्राइंगल, फाइंड द एरिया, पूरे एरिया हमें निकालना है इसका, क्या पूरी फिगर का। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके अंदर ये जानते हैं कि साइड सॉल्यूशन करते हैं हम, साइड ऑफ ट्राइंगल जो कि कितना गिवन है, विच इज गिवन 12 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं हम, सर्कल, और सेकंड नंबर पे क्या है ये पोर्शन, और थर्ड पे क्या है ये। ठीक है बच्चों, इन तीनों को निकालेंगे और ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो बच्चों। ठीक है, जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो ध्यान से, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और नीचे क्या दिया है हमारे पास, एक ट्राइंगल। हम क्या करेंगे, सर्कल प्लस ट्राइंगल कर देंगे, क्या कर देंगे, सर्कल प्लस में ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये, सर्कल और ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन है वो दो बार काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो बार काउंट, ध्यान देना। अगर मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा तो ये वाला एरिया काउंट होगा, और ट्राइंगल का निकालूंगा तो भी एरिया काउंट है। तो ये एरिया क्या रहा, कॉमन एरिया। तो याद रखना हमें करना क्या है, फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है, बस हमें क्या करना है, एक थोड़ा सोच के चलना है कैसे। जैसे मैं आपको बता, शेडेड एरिया, हमें पूरा पोर्शन निकालना है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें, ये पूरा पोर्शन हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड ऑल दी पोर्शन। ठीक है, तो होगा कैसे ये, हम क्या करते हैं इसके अंदर, एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले क्या, एरिया ऑफ सर्कल प्लस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनेगा, ये क्या करेंगे एरिया इसके अंदर ऐड, उसमें से माइनस कर देंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन जो कि होगा एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब याद रखना इसमें क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी पूरा 12 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थीटा हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, विच इज पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड की पावर 2। ये इन दोनों पोर्शन को क्या करेंगे हम, ऐड सर्कल में ट्रायंगल, लेकिन एक कॉमन पार्ट क्या, हमें माइनस करना पड़ेगा इसे। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखते हैं 22/7, एंड जो आर है इसकी क्या है, 6 प्लस में √3/4, इस पार ट्राइंगल की जो साइड लेंगे वो हो जाएगा 12 × 12। अब क्या कर सकते हैं हम, इसे माइनस यहाँ रखते हैं, θ/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, एंड जो आर है जो हमारे पास कितना है इसका, 6 × 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करते हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 6 × 6 = 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 36,
36 को जब हम 22 से करेंगे, 36 को 6 6 36, 36 को 22 से करेंगे तो ये जगह 72 एंड 72 792, तो हमारे पास यहाँ आएगा 792 डिवाइड बाय 7। ये आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है बच्चों। तो और अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे इधर वैल्यू आएगी √3, 12 2 जो 36 √3, और इधर जो आएगा ये हमारे पास आएगा इसको सॉल्व करके 6 2 जो 12 पावर 1, 132 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर करता हूँ। देखो ये दोनों सेम डिजिट है, तो क्या करते हैं इनको एक साथ लेते हैं हम, 792 डिवाइड बाय 7 माइनस 132 डिवाइड बाय 7 प्लस में 36 √3। अब देखें ये नीचे क्या एलसीएम सेम, तो ये जगह 7, अब इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0, इधर आएगा 6, इधर आएगा 6 प्लस में 36 √3। अब देखते हैं हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या कर सकते हैं इसी के अंदर अगर ये सेंटीमीटर है तो ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना हम √3 की वैल्यू लेकर भी आगे कर सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर यही आंसर है तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आप इसे इजीली कर सकते हो। ध्यान देना हर क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है, तो इसके अंदर भी एक टेक्निक है। पहले सर्कल में ट्राइंगल को ऐड करेंगे, सर्कल में ट्राइंगल को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे जो कॉमन एरिया है। तो क्या करेंगे हमने तीनों की वैल्यू रखी और सॉल्व करते चले गए, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अपने सुझाव या सवाल कोई भी बात है वो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गोपाल शर्मा क्लासेस।